आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में हमारा यूनिट नंबर 11 और व्हीकल्स, हमारे व्हीकल्स के बारे में हमें जानना है। तो हमें अगली वीडियो के अंदर हमने जो एक पोएम देखी थी उसमें ट्रेन के बारे में बच्चों को जो ट्रेन के बारे में बताया था, वहाँ पर एक गेम खेलने के लिए बोला था और हमें यहाँ पर ट्रेन कैसे चलती है, कौन सी पटरी पर जो पटरियाँ उसको बोला जाता है रोड्स ऑफ आयरन बोला है, यहाँ पर जो ट्रैक होती है उस पर चलती है। उसके बाद किसमें से पास होती है वो हमें बताया गया था। उसके बाद भी जो हमें क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको लिखवाए थे और उसके बाद में दिया हुआ था एक जो आप कौन से प्लेस से पास होती है और आपने कौन से व्हीकल्स में अंदर ट्रैवलिंग की हुई है वो हमने देखा था। अब आज हमारा पेज नंबर 70 पे देखो, रीड एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने कौन से जो व्हीकल्स के अंदर ट्रैवलिंग की हुई है वो वहाँ पर दिया हुआ है। देखो, ड्यूरिंग रीड एंड अंडरस्टैंड, ड्यूरिंग वैकेशन ऑल गो आउट ऑफ स्टेशन, सम गो नियर बाय वेरेज, सम गो फार अवे प्लेसेस। अब वैकेशन के टाइम पे सब लोग क्या करते हैं, कई जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि कोई पास में ही जाता है अपने मामा के घर या फिर काका के घर, वहाँ पर कोई जाता है, कोई दूर दूर तक जाता है घूमने के लिए, कोई ट्रेन में जाता है, कोई बस के अंदर, कोई कार के अंदर जाता है, ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो वैकेशन के टाइम पे घूमने जाते हैं। सम ऑफ देम आर गोइंग बाय बस, कुछ बस से जाते हैं, ट्रेन और एरोप्लेन, कुछ ट्रेन से जाते हैं और कुछ एरोप्लेन से जाते हैं, एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज से जाते हैं। जर्नी कैन बी डन इन मेनी वेज, जर्नी बहुत सारे रास्ते से मतलब पूरी होती है। सम चिल्ड्रन शेयर देयर वैकेशन हियर, अब कुछ बच्चों ने यहाँ पर कुछ जो अपनी जो वैकेशन कहाँ पर कैसे गुजरा वो यहाँ पर बताया है। देखो, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है, एक गर्ल बोल रही है, आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली, मैं मेरे अंकल के घर रही थी, घर गई थी जो दिल्ली में रहते हैं। अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बस, क्या करते हैं पहले हम लोग रेलवे स्टेशन से बस लेके हमारे अंकल के घर पहुंच जाते थे, बट दिस टाइम इट वॉज ग्रेट फॉर, बस इस बार है वो बहुत ही कुछ चेंजेस था, बहुत ही मजेदार था। वी वेंट बाय द मेट्रो ट्रेन, हमें दिया हुआ है देखो मेट्रो ट्रेन दी हुई, तो वी वेंट बाय द मेट्रो ट्रेन विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल। अब मेट्रो ट्रेन कैसे जमीन के अंदर एक टनल बनाई जाती है, उसमें जैसे हमारी ट्रेन बाहर रेल की जो आयरन की पटरी पर चलती है वैसे उसमें भी ट्रैक पर उसी तरह की रेलवे ट्रैक होती है, बट वो अंडरग्राउंड होती है मतलब जमीन के नीचे और ऊपर रास्ते होते हैं, वैसे एक अंडरग्राउंड टनल में के अंदर से हमारी ट्रेन जो मेट्रो ट्रेन गुजरी थी और उससे जरिए हम लोग गए थे। वी डिड नॉट इवन कम टू नो दैट कार वेर रनिंग ऑन द रोड अबोव द टनल, हमें कुछ पता नहीं था कि रोड के ऊपर से हमारे जो ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर जो रोड है उसके ऊपर से कार भी गुजर रही है। उसके बाद सेकंड जो बच्चा है वो बोल रहा है, देखो जो सेकंड बॉयज है वो बोल रहा है, इट वॉज माई बुआज वेडिंग, मतलब मेरी बुआ की वेडिंग थी मतलब शादी थी। आई मेट मैनी रिलेटिव, मैं अपने बहुत सारे रिलेटिव से मिला। वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, मैं वहाँ पर बहुत सारी जो अपनी फ्रेंड से मिला, खाना खाया और कुछ बहुत पिया और मैंने खेला भी था। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन, इमेजिन, अब क्या करना है यहाँ पर देखो, उसके जो भैया है वो अमेरिका से प्लेन में आते हैं, एरोप्लेन में आए थे, अब अमेरिका से यहाँ तक तो कोई रास्ता नहीं है तो क्या करते हैं प्लेन में से आते हैं। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच हर इन वन डे, इमेजिन करना है कि वो बहुत दूर रहते हैं बट यहाँ पर एक ही दिन में आ गए, तो वहाँ पर से हवाई जहाज में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसीलिए वो एक दिन में आ गए। बुआ लुक वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज गोइंग इन द पार्की, पार्की यहाँ पर भी जो दिया हुआ है इस तरह से देखो, इस तरह से देखो आप एक पिक्चर दी हुई है,
एक पिक्चर दी हुई है यहाँ पर ऐसे, इसको बोलते हैं पालकी, क्या बोलते हैं पालकी, जो उनकी वेरी ब्यूटीफुल बुआ, जो बुआ थे वो कहाँ पर थे, पालकी के अंदर आए, कहाँ पर पालकी में, पालकी में ऐसे यहाँ पर से कुछ लोग रहे, ये बांबू का बना हुआ होता है, बांबू का, यहाँ पर दो लोग, यहाँ पर से लोग कुछ लोग उठा दे, यहाँ पर से कुछ लोग उठा दे, और जो कन्या है वो यहाँ पर दुल्हन है वो इसमें बैठती है, तो वो पालकी में आए थे, इसको बोलते हैं पालकी, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसको बोलते हैं पालकी। तो बुआ लुक वेरी ब्यूटीफुल, बुआ बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, व्हेन शी वाज गोइंग इन अ पालकी, वो पालकी में जा रहे थे तब। आगे बोला है एक गर्ल और भी है, उसने बोला है देखो कि आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला, मैं अपनी नानी के घर में गया था, गई थी मैं केरला के अंदर, जो अपनी नानी रहते हैं मैं वहाँ पर गई थी। वेयर शी लिव्स देयर इज वाटर एवरीवेयर, वो जहाँ पर रहते हैं बहुत सारी जगह वहाँ पर पानी है। तो जो हमारे इंडिया का मैप ऐसा है उसमें केरला किस तरह से है, तो इसकी एक साइड में पानी है, तो वहाँ पर एरिया ऐसा है कि जहाँ पर ज़्यादा पानी है, वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी है। तो उन्होंने बोला है देखो तो where she lives there is water everywhere, वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर सब जगह पर पानी था। From the station we could have taken a bus or a car to reach her house, instead we took a boat straight to her house, हमने वहाँ पर देखो स्टेशन में जाके हमने कार और बस की जगह पर एक बोट की, और बोट के जरिए उनके घर पे पहुँच गए। It felt a little strange but we had fun, ये बहुत ही थोड़ा जो छोटा सा स्ट्रेंथ था बट हमें वहां पर बहुत ही मजा आया। आगे बोला है देखो फिर से एक बॉय बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वैकेशन। अब शिमला कहां पर आया, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर, शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला आया। तो वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन, मैं वेकेशन के दरमियान कहाँ पर गया था, शिमला के शिमला गया था। द बस मूव ऑन द जिगजैग रोड्स ऑन द हाई माउंटेन्स, तो माउंटेन्स के ऊपर बस की वो जिगजैग से चल रही, जैसे कि माउंटेन है तो माउंटेन के ऊपर देखो किस तरह से रास्ता जा रहा है, जैसे घूम के ऐसे जिगजैग रास्ता जा रहा है ऐसे। तो यहाँ पर बोला है कि द बस मूव ऑन द जिगजैग रोड्स ऑन हाई माउंटेन्स, जो बहुत बड़े पहाड़ थे उसके ऊपर जैसे रास्ता जाता था वो जिगजैग था, तो बस ऐसे ही रास्ते ही चल रही थी। इट वॉज वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक डाउन, ये बहुत ही डरावना था, हम जब नीचे देखते थे बहुत ही डरावना था। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस इन शिमला, और हम शिमला के अंदर बहुत जगह पर पैदल ही चले थे, बहुत लंबे रास्ते थे। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली, मेरी जो दादी थी वो बहुत ही जल्दी थक गए थे, तो अब उनकी उम्र हो गई तो वो जल्दी थक जाते, ज़्यादा चल नहीं पाते थे। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स, मतलब टट्टू घोड़े के वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स, हमने उनके लिए एक हॉर्स लिया और उनके ऊपर उनको राइडिंग सवारी करवाई। आगे बोला है कि आई नेवर गॉट टायर्ड, और मैं थका नहीं था, आई एंजॉय वॉकिंग, और मुझे चलने में बहुत ही मजा आ रही थी। तो शिमला के अंदर जहाँ पर आप जाते हो वहाँ पर आपको क्या होता है, जो पहाड़ पर चलने के लिए जाना पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर गाड़ी कार नहीं जाती, बस नहीं जाती, तो इसके लिए हमें चल के जाना पड़ता है, या फिर वहाँ पर घोड़े जो टट्टू घोड़े होते वो उसमें उसके ऊपर बैठ के जाना पड़ता है। आगे बोला है माई मासी लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस, मेरी मासी है जो मेरे घर के पास में ही रहती है थोड़े दूर। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्विकली क्लाइम ऑन माई बाइसिकल एंड रश टू हर प्लेस, तो जब भी मेरा मन होता है कि मैं अपने मासी के घर जाऊँ तब मैं अपनी बाइसिकल निकालती हूँ और बाइसिकल पे सवारी करके मैं अपनी मासी के घर पहुँच जाती हूँ। माई एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस, जो तीन पैडल वाले हैं तो तीन व्हील वाले हैं तो उनको बुलाया यहाँ पर रिक्शा, कि मेरी माँ और जो छोटू है
अगर उनको आना है तो वो नानी के घर कैसे जाते हैं, नानी के घर वो रिक्शा करके जाते हैं। तो आपका कोई आपके कोई रिलेटिव्स का अगर आपके पास में थोड़ी दूर हो तो आप बाइसिकल में जाते हैं या फिर कोई रिक्शा करके जाता है। अब उसके बाद हमें एक बच्चा लास्ट में बोल रहा है, देखो आप बोला कि आई वेंट टू माय मामा जीज विलेज, जो अपने मामा जी उनके गांव में गया था। आगे बोला है कि फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज नो बस गोइंग टू हिज विलेज, और उनके गांव के अंदर रेलवे स्टेशन से गांव तक जाने के लिए कोई बस या कार नहीं है। आगे बोला दे वी क्रॉस लश ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज, सॉरी आगे बोला है देयर इज नो बस गोइंग टू हिज विलेज सो वी वेंट इन अ ब्लॉक कार्ट, तो हम लोग किस में गए थे, ब्लॉक कार्ट के अंदर गए थे। वी क्रॉस लश ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज, हमने गांव में जाते टाइम रास्ते के अंदर जो बहुत सारे हरे भरे खेत देखे थे। तो गांव का जो रास्ता होता है वहां पर मिट्टी का रास्ता होता है, तो वहां पर बाइक और कार ले जाने में हमें दिक्कत होती है, इसलिए वहां पर ब्लॉक कार्ट और कैमल कार्ट चलते हैं। I loved the sound of the bells tied around the legs of the bulls, जो ब्लॉक कार्ट के अंदर जो बैल होते हैं उसके गले के नीचे जो ऐसी घंटी बांधी जाती है जिससे वो चलता है तो घंटी की आवाज सुना देते। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे ये साउंड अच्छा लगा जो बेल्स टाइड अराउंड द नेक्स ऑफ द बुल, जो बुल्स थे उसके गले के नीचे जो एक घंटी रखी थी उसकी आवाज मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो आपने देखा कि यहाँ पर 6 बच्चे थे, उन्होंने अपना अपना जो वैकेशन टाइम पर कहाँ पर घूमे, कौन से व्हीकल्स में अंदर घूमे, वो हमें यहाँ पर बताया। तो आपको भी इस तरह आप कहीं पर गए हो तो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हो कि मैं यहाँ पर गया था, इसमें ट्रैवलिंग की थी, वो सब लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है विच क्वेश्चन, विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन। अब यहाँ पर बोला है कि ये बच्चे जो बोला, सब बच्चों ने बोला कि मैंने ये व्हीकल्स के अंदर ट्रैवलिंग की, ये सारे व्हीकल्स देखे थे। तो यहाँ पर बोला है कि विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवलिंग, ये सारे बच्चों ने कौन से व्हीकल्स के अंदर ट्रैवलिंग की, उसके बारे में हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट का जो आंसर है वो लिखिए कि कौन से व्हीकल्स के अंदर उन लोगों ने ट्रैवलिंग की। तो जैसे कि फर्स्ट हमने देखा था, फर्स्ट देखो बस के अंदर ट्रैवलिंग की, उसके बाद आपको बताऊंगा मेट्रो ट्रेन, जो फर्स्ट बच्चा है उसने मेट्रो ट्रेन के अंदर भी ट्रैवलिंग की, मेट्रो ट्रेन। उसके बाद एरोप्लेन के अंदर भी ट्रैवलिंग की, तो एरोप्लेन। फिर उसके बाद बोट के अंदर किसी बच्चे ने ट्रैवलिंग की से, फिर आगे हॉर्स राइडिंग भी की हुई है, एक बच्चा बोल रहा है ना जो उसकी दादी है वो थक गए थे पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते तो उन्होंने हॉर्स राइडिंग की है, फिर ब्लॉक कार्ट गांव में गए थे तो ब्लॉक कार्ट, फिर आप बाइसिकल भी देखिए, बाइसिकल भी। फिर हम तीन जो व्हील वाले हैं तो रिक्शा, रिक्शा के अंदर ट्रैवलिंग भी की थी, और लास्ट में जो कार और ट्रेन के अंदर भी ट्रैवलिंग की थी। तो ये जो सारे हमें दिए हुए हैं वहां पर उन सबने ट्रैवलिंग की हुई है। देखो आपको जो बॉक्स दिया है उसके अंदर आपको ये सारे वर्ड्स लिखने हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर ये सारे वर्ड्स लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट में आएगा बस, फिर मेट्रो ट्रेन, एरोप्लेन, बोट, हॉर्स राइड, ब्लॉक कार्ट, बाइसिकल, रिक्शा, कार और ट्रेन। अब उसके नीचे देखो हमें दिया हुआ है थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है।
हाउ यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेसेस रिटन बिलो राइट इन द बॉक्स. आपको बोला है कि हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेसेस रिटन बिलो. आप अपने घर से अगर कहीं पर जाना है, जैसे कि मार्केट में जाना है, फिर स्कूल में जाना है, अपने रिलेटिव्स के वहां पर जाना है, दूसरी दूसरी जगह पर जाना है, तो आप कैसे जाते वो आपको यहाँ पर लिखना है. तो जैसे कि देखो यहाँ पर हम वन बाय वन लिखते हैं, मैं आपको बोलूंगा और आपको अपने तरीके से अच्छे से लिखना है. जैसे यहाँ पर हमारा है योर हाउस, ये हमारा घर है. यहाँ पर सबसे पहले हम राइट से शुरू करते हैं. राइट में भी दिया हुआ है देखो स्कूल, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक बॉक्स है, वहां पर दिया हुआ है स्कूल, स्कूल दिया हुआ है. फिर देखो यहाँ पर दिया हुआ है, बोला है रिलेटिव्स, और बाद में बोला है हु लिव इन हाई एरियाज. फिर बाद में देखो अक्रॉस रिवर, यहां पर मैं वो लिखता हूं अक्रॉस रिवर. उसके बाद हमें दिया हुआ है देखो अक्रॉस द सी, यहां पर है अक्रॉस द सी, मतलब समुद्र पार. आगे बोला है नानी हाउस, यहां पर हम लिखते हैं नानी का घर, नानी हाउस. उसके बाद में फ्रेंड्स हाउस बोला है, यहां पर हमारे फ्रेंड का घर लिखते हैं फ्रेंड्स हाउस. उसके बाद में बोला है मार्केट, अब यहां पर लिखते हैं हमारा आएगा मार्केट. अब यहां पर देखो, यहां पर मैंने चेंज जो आपको अक्रॉस रिवर दिया हुआ है वो नीचे है, बट मैंने ऊपर की तरफ दिखा है, लिखा है, आप ध्यान देना. यहां पर देखो वन बाय वन योर हाउस, ये हमारा घर है. अब उसने बोला है देखो स्कूल में आप कैसे जाते हो, तो जैसे कि स्कूल में स्कूल बस से जाते हैं हम लोग, स्कूल बस में जाते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्कूल बस, या फिर आपके पापा बाइक में या फिर कार के अंदर आपको छोड़ने आता है, तो बाइक या फिर कार के अंदर आपको छोड़ने आते हैं. अब उसके बाद में दिया हुआ देखो आप रिलेटिव्स, अब रिलेटिव्स के वहां पर आप कैसे जाते हैं, जैसे कि ट्रेन, और मैं जाता हूं ट्रेन और बस से, तो यहां पर ट्रेन और बस. उसके बाद अक्रॉस रिवर, अब अगर रिवर क्रॉस करनी है तो आप क्या करोगे, तो इन अ बोट, तो हम लिखेंगे इन अ बोट, मतलब हम बोट के थ्रू जाते हैं. अगर समुद्र क्रॉस करना है अक्रॉस द सी, समुद्र क्रॉस करना है तो हम लोग बड़ी सी शिप में बैठ के समुद्र क्रॉस करते हैं. आगे बोला है कि योर हाउस, अब नानी हाउस, अपने घर से नानी के घर जाना है तो आप क्या करते हो, नानी के घर अगर हमें जाना है तो ट्रेन या फिर एरोप्लेन से हम लोग निकलते हैं, तो ट्रेन या फिर एरोप्लेन का हम लोग यूज करते हैं. आगे बोला है योर फ्रेंड्स हाउस, अब फ्रेंड के घर तो हम बाइसिकल भी लेके जाते हैं या फिर चल के भी जा सकते हैं, तो हम लिखेंगे बाइसिकल. और मार्केट में जाना है तो हम चल के बोलेंगे, हम चल के जाते हैं, तो बाय वॉक, हम चल के भी जाते हैं. तो बच्चों यहाँ पर आपको मैंने वन बाय वन जो सारा है वो लिखवा दिया है, ऐसे ही आपको बुक में लिखना है. बट यार ये ध्यान रहे कि आपको ये अक्रॉस रिवर नीचे दिया हुआ है, बट यहाँ पर जगह नहीं दिया, मैंने ऊपर की ओर लिखा हुआ है. तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो.
तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखवाया, आपको ये बुक में लिखना है और फिर बाद में नोटबुक में भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर जो हमारे यूनिट आगे है उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।